नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है एजीपीजी की आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल और ब्रेक ओवर एंगल के बारे में। तीन तरह के एंगल्स होते हैं जो कि यूजुअली हम बोलने में अब भाषा में काम में नहीं लेते हैं कि मतलब क्या है ये, या सुनते कम है, लेकिन इसके बारे में कई लोग सोचते जरूर है लेकिन उनको टर्म पता नहीं होता। आज जब मैं समझाऊंगा उसके बाद आप ये टर्म शायद यूज भी करने लग जाएं कि अप्रोच एंगल क्या होता है, डिपार्चर एंगल क्या होता है और ब्रेक ओवर एंगल क्या होता है, इन चीजों की हम बात भी करने लग जाएं। यूजली हम सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस को देखते हैं लेकिन अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल भी बहुत बड़ी चीज होती है, काम करती है। कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा गाड़ियों के। सबसे पहले बात करते हैं अप्रोच एंगल के बारे में। अप्रोच एंगल गाड़ी का जो बेस है, मतलब जो सड़क है उससे कार जहां खड़ी है, फ्रंट व्हील जो है गाड़ी का, फ्रंट व्हील से लेके जो फ्रंट बम्पर है, फ्रंट वाले बम्पर का सबसे नीचे लटकने वाला पार्ट, या फ्रंट में बम्पर नहीं है जो भी है उसका सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उसके बीच का बना हुआ एंगल है। ये आपकी सड़क और ये आपकी गाड़ी का ऊपर का हिस्सा, यहाँ कहीं व्हील है, तो व्हील से, फ्रंट व्हील से जो उसके आगे वाले पॉइंट पे बन रहा है उस एंगल को अप्रोच एंगल बोलते हैं। अप्रोच एंगल जितना ज्यादा होता है उतने ही ज्यादा फायदेमंद होता है गाड़ी के फ्रंट बम्पर के लिए। मान लो कोई बड़ा पत्थर है सामने या ब्रेकर आया, स्पीड ब्रेकर आ गया, अभी अगर आपका अप्रोच एंगल कम होगा तो आपका बम्पर जो है वो ब्रेकर पे टच हो जाएगा, स्पीड ब्रेकर पे, लेकिन अप्रोच एंगल ज्यादा होगा तो जब तक वो ब्रेकर पे बम्पर पे टच होने वाला होगा तब तक टायर उसके ऊपर चढ़ने लग जाएगा, तो टायर जो है वो आपके बम्पर को ऊपर ले लेगा, गाड़ी को ऊपर ले लेगा। तो वहां पे आपका अप्रोच एंगल ज्यादा होने की वजह से आपने छोटे मोटे ऑब्स्टेकल, सामने आया पत्थर, ब्रेकर जो भी है वो पार कर लिया। उसके बाद आता है ब्रेक ओवर एंगल। ब्रेक ओवर एंगल आपकी गाड़ी के बीच के हिस्से, दोनों टायर्स के बीचों बीच का हिस्सा जो है उसके एंगल को बोलते हैं ब्रेक ओवर एंगल। ब्रेक ओवर एंगल यूजुअली आप कह सकते हो कि एसयूवीज में ही ज्यादा होगा, हैचबैक्स और सेडान में कम होता है, या फिर जिन गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होती है उन्हीं का ब्रेक ओवर एंगल ज्यादा होता है, ये आप बिल्कुल कह सकते हो। लेकिन कुछ कार्स में ब्रेक ओवर एंगल जो है वो गाड़ी के लोवेस्ट पार्ट से लेना होता है, तो कई कार्स में कुछ जैसे कभी एग्जॉस्ट पाइप नीचे होता है, थोड़ा लटका हुआ होता है, तो वहां उन कारणों से ब्रेक ओवर एंगल जो है कम हो जाता है। ब्रेक ओवर एंगल अगेन, मान लो आप एक स्पीड ब्रेकर है बहुत बड़ा, आपकी गाड़ी का फ्रंट टायर तो गुजर गया, अब बीच में गाड़ी जो है टच हो जाएगी, अगर आमतौर पर हम ग्राउंड क्लियरेंस ही कहते हैं इसे, लेकिन वो एंगल भी मायने रखता है, तो ब्रेक ओवर एंगल हो गया। फिर तीसरा आता है डिपार्चर एंगल। डिपार्चर एंगल हम ज्यादातर कंसिडर नहीं करते हैं और ज्यादातर सोचते नहीं उसके बारे में, क्योंकि आमतौर पे गाड़ियां जो होती है फ्रंट से थोड़ी झुकी हुई होती है और पीछे से थोड़ी उठी हुई होती है, इसीलिए हमें हमेशा डिपार्चर एंगल जो है वो ज्यादा ही मिलता है अप्रोच एंगल से। अप्रोच एंगल जो है, हो सकता है आपका अप्रोच एंगल 50 डिग्रीज हो लेकिन डिपार्चर एंगल उसी समय पे आप ही उसी गाड़ी का जो है 60-75 डिग्री के आसपास हो सकता है, तो डिपार्चर एंगल यूजुअली ज्यादा होता है। लेकिन कई ऐसे अपवाद भी रहे एसयूवीज में भी जिनका डिपार्चर एंगल बहुत अच्छा खासा बुरा था। फॉर एग्जाम्पल, पुरानी जो एंडेवर आती थी, पुरानी एंडेवर का डिपार्चर एंगल बहुत घटिया था, उसका हर बार ऑफ रोडिंग करते हुए बम्पर लग जाया करता था, तो कई ऐसी गाड़ियां देखी गई है जिनके डिपार्चर एंगल बेकार रहे हैं, भले ही वो एसयूवी कैटेगरी में ही क्यों ना हो। तो यूजुअली एसयूवीज के लिए टर्म्स होता है, लेकिन हैचबैक्स वगैरह में खासतौर से, वही इंडिया में सड़कें ही ऐसी है, पत्थर आता है, कभी कुछ भी आता है, ब्रेकर भी लोग इतने बड़े बड़े और अजीब अजीब से ढंग के बना देते हैं, तो वहां पे अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल जो है वो डेफिनेटली अच्छा खासा मैटर करता है। तो अगली बार जब आप इस चीज को, इस टर्म को समझ रहे हो, तो ये मत बोलना कि बम्पर नीचे आता है इसका, इसका बम्पर ऊपर आता है, आप वहां पे कह सकते हैं कि भैया इसका अप्रोच एंगल जो है वो अच्छा नहीं है, अप्रोच एंगल ज्यादा होना चाहिए, अप्रोच एंगल इसका कम है, ऐसे टर्म्स जो है आप यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा बेहतर जो है आप समझ सकते हैं। जो भी कार रिव्यूज आते हैं, कई लोगों को शिकायत होती है, वो बताते हैं यार कार रिव्यूज वाले ऐसे ऐसे टर्म्स यूज करते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या बोल रहे हैं, तो अगली बार कोई अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल यूज करे तो बिल्कुल आपको मेरे ख्याल से पता चल जाएगा। इस चीज को हमेशा ये लिंक ना करें कि अप्रोच एंगल अच्छा है इसका मतलब ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा होगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ कुछ गाड़ियों में टायर बहुत ही आगे आ जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा आगे फ्रंट में लगा होता है बम्पर के लिए, बहुत टायर के बाद बम्पर जो है वो बहुत ही कम स्पेस लिए होता है, तो उनका अप्रोच एंगल ऑब्वियसली अच्छा हो गया। जरूरी नहीं कि हायर ग्राउंड क्लियरेंस वालों का अप्रोच एंगल ज्यादा होगा, होता है लॉजिकली यही है, लेकिन कई बार टायर की पोजीशन जो है उस पर भी डिपेंड करता है अप्रोच और डिपार्चर एंगल। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक ना एक ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।